गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं मैकेनिकल नॉलेज। तो दोस्तों आज हम आए हैं एक कंस्ट्रक्शन साइट पे, खास जो कि ये आईडी फैन है। तो आज हम इसको देखेंगे कि इसमें क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं, कैसे क्या असेंबल होते हैं। तो दोस्तों आइए हम फर्स्ट आपको दिखाते हैं कि ये हमारा मोटर का फाउंडेशन है और ये इंटरमीडिएट साफ्ट इसमें डाल रखा गया है। देखिए साफ्ट का कवर है और ये हमारा सेक्शन चैम्बर है। और इसके अंदर आप देखेंगे तो वो हमारा रोटर है जो कि बेयरिंग हाउसिंग पे रखा हुआ है, और ये बेयरिंग हाउसिंग का टॉप कवर है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आइए इसको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा जो सेक्शन चैम्बर है, यहाँ ये देखिए ये बोल्टिंग हो रखा है। सबसे पहले हम इसमें पैकर का ग्राउटिंग करते हैं जो कि यहाँ दोस्तों आपको दिखाते हैं। किसी भी आईडी फैन को एरेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम उसके वेयरिंग हाउसिंग को एरेक्शन करते हैं। इसके लिए देखिए जैसे वेयरिंग हाउसिंग को सबसे पहले हम ये जो पैकर है देखिए वो अच्छे से दिखाते हैं हम। ये हमारा पैकर ड्राइंग के अनुसार एलिवेशन चेक करके पैकर के राउटिंग करते हैं। तो देखिए आईडी फैन के वेयरिंग हाउसिंग में दोस्तों हम 5 पैकर लगाते हैं जो कि लाइन बाय लाइन दिखाते हैं। फर्स्ट आपका ये है, सेकंड, थर्ड, ये आपका थर्ड रहा, फोर, फाइव। तो ऐसे ही 5 पैकर इस साइड और 5 पैकर आपको उस साइड ग्राउटिंग होता है। उस साइड पे आपको ले चलेंगे तो दिखाएंगे। इसके बाद दोनों साइड पैकर ग्राउटिंग करने के बाद फिर इस पर हम प्लेट डालते हैं, और प्लेट डालने के बाद इसके डिस्टेंस को मेंटेन करते हैं। और प्लेट का लेवल वगैरह भी चेक करते हैं। और उसके बाद दोस्तों ये सक्शन चैम्बर का हम लोग पैकर लगाते हैं। सक्शन चैम्बर में भी हमारा वही आपका 5 पैकर लगाते हैं, 5 वेयरिंग हाउसिंग में भी और 5 सक्शन चैम्बर में। इसके अलावा देखिए एफडी और पीएफएन में ऐसा नहीं होता है, बट इसमें आपको और एक्स्ट्रा पैकर लगाने होते हैं जो कि गाइड पिन लगाने के लिए। देखिए दोस्तों ये जो हमारा कभी बेयरिंग हाउसिंग को देखेंगे तो ये राउंड वाला है, ये हमेशा आपका मोटर साइड में रहेगा, इधर आपका सक्शन चैम्बर रहेगा। और वो माइनस का साइड का जो होता है देखिए वहाँ दिख रहा है आपको, थोड़ा ध्यान से जूम कर रुकिए, हम आपको दिखा दें थोड़ा अच्छे से जूम करके। तो जो माइनस दिख रहा है वो आपको डिफ्यूजर साइड में रहेगा, या जिधर मान लीजिए आप चैम्बर कह सकते हैं। और आपका जो सक्शन चैम्बर का ही जैसे ये देखिए कैसे पहचानेंगे कि ये बॉटम पार्ट है या टॉप पार्ट। दोस्तों टॉप पार्ट वहाँ रखा हुआ है जो कि देखिए दोस्तों वो आपका टॉप पार्ट है। और ये बॉटम, इसको पहचानने का सबसे इसमें आसान तरीका होता है कि बॉटम में ये जो आपका ये निकला हुआ है, और ये सक्शन चैम्बर में भी जो गाइड पिन होता है इसमें राउंड वाला गाइड पिन ये आपका बेयरिंग हाउसिंग साइड में आता है। और जो माइनस साइड का गाइड पिन होता है वो आपका मोटर साइड का होता है। तो देखिए जैसे बेयरिंग हाउसिंग और सक्शन चैम्बर इन दोनों में एक दूसरे का उल्टा होता है। देखिए ये जो आपका गाइड पिन है अच्छे से देखिए, गाइड पिन में भी कभी पैकर आप देखिए इस तरह से लगाने से आपको सिम डालने के लिए सहूलियत होती है, नहीं तो बहुत लोग इस साइड से भी लगाते हैं। तो इस प्रकार गाइड पिन सक्शन चैम्बर का और बेयरिंग हाउसिंग का एक दूसरे का अपोजिट होता है। जैसे यहाँ देख लीजिए ये सक्शन चैम्बर है तो इसका जो माइनस वाला गाइड पिन है वह मोटर साइड है,
और वो हमारा बेयरिंग हाउसिंग में माइनस वाला जो गाइड पिन होगा वो आपका डिफ्यूजर साइड रहेगा। यहाँ देखिए ये पैकर लग रखा है। ये देखिए दोस्तों, हमने आपको पहले बताया था कि बेयरिंग हाउसिंग में 5 पैकर प्लेट लगाते हैं, 5 उस साइड राइट साइड, 5 लेफ्ट साइड। और फिर ये लगाने के बाद फिर अब आ जाते हैं हम डिफ्यूजर में। तो ये हमारा डिफ्यूजर है दोस्तों, डिफ्यूजर का पैकर प्लेट आपको दिखाते हैं। ये देखिए, और डिफ्यूजर पैकर प्लेट लगाने के बाद आप 25 mm का एक पिन और 25 mm का दो प्लेट और कटिंग कराते हैं, जो कि दोस्तों वहाँ लग रहा है। वो देखें नेक्स्ट छोटी आपको जिम करके दिखाते हैं। ये 25 पैकर प्लेट के ऊपर 25 mm का प्लेट लगा है। ये दो प्लेटें इस फुट में और राइट फुट में और लेफ्ट फुट में दोनों में ये लगा होता है। और जो ये हमारा गाइड पिन साइड रहता है, इसमें प्लेट नहीं लगाना होता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारा पैकर प्लेट लगाने का तरीका था। पैकर प्लेट लगाने के बाद फिर ये हमारा बेयरिंग हाउसिंग है, थोड़ा अच्छे से दिखाते हैं। और ये बेयरिंग हाउसिंग में देखिए, बेयरिंग हाउसिंग दोस्तों ये आता है, इसके बाद फिर हमें इसमें ये बोल्टिंग करके और ये अलग से जोड़ना होता है। तो इसमें भी दोस्तों ये देखिए, जो हमारे टॉप वाले में ये ऐसा नहीं होता है, बट बॉटम वाले में ये रिएक्शन करता है। फिर आपका डिफ्यूजर भी दोस्तों जो होता है, इस ये भी दो पार्ट में आता है, इसको बोल्टिंग करके असेंबल करता है। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने देखा कि आईडी फैन के में क्या क्या लगे होते हैं और कैसे क्या करना होता है। और आप बेयरिंग हाउसिंग जब इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं, इसके बाद दोस्तों अभी तो यहाँ सीढ़ी नहीं है, नहीं तो मैं आपको यहाँ जो रोटर इसमें लग रहा था उसको मैं दिखाता, देखता हूँ आपको अंदर से कुछ दिखाने का प्रयास करूँगा। ये देखिए शाफ्ट टॉप का बारे में। आइए दोस्तों यहाँ से आपको कुछ हम रोटर का दिखा देते हैं जिसमें ब्लेड लगता है। ये एक्सियल फैन है इसलिए इसमें ब्लेड यूज किया जाता है। तो देखिए ये दोस्तों हमारा रोटर है जिसमें आपका शाफ्ट जाके इसमें अटैच हो जाएगा। इस प्रकार इसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आईडी फैन को हम इंस्टॉल करते हैं। इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जो कि आपको एक वीडियो में कवर करना संभव नहीं है, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आईडी फैन कवर करेंगे।